ये सहरा जनरली लोग जानते हैं कि जनाब मुख्तार ने एक एक हरामियों को पकड़ पकड़ कर वासिले जहन्नम पहुंचाया। उन नौ रबी अव्वल को आप ऐसा मनाया, आपने दो महीना आठ दिन इतनी इतनी शिद्दत की, इतने मातम किए, इतनी दुनिया की, आज वो भड़ास मिटा दो जिसके लिए आज इतनी खुशी इतनी मुसर्रत हासिल करे कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इब्ने साथ उसके साथ उसके साथ सबको एक जगह जनाब मुख्तार ने एक एक करके चुन चुन के मारा। तारीख यहां नहीं खत्म हुई, तारीख ये है कि ईद ज़हरा, अब कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि ईद ज़हरा क्यों मनाया जा रहा है। ईद ज़हरा के लिए मौलाए कायनात ने खास करके इरशाद फरमाया था, कब क्यों कैसे। मौलाए कायनात ने कहा था कि ईद ज़हरा ऐसा मनाओ कि उस दिन आप लगे कि दूसरी बदीर है। अब ईद ज़हरा मकसद, ईद ज़हरा इसको टाइटल क्यों दिया गया ईद ज़हरा, अब बताए कि तारीख ऐसी है कि कोई मनसब पढ़ना नहीं चाहते हैं कि पढ़ेंगे तो बवाल हो जाएगा। जूस ने बीबी जहरा का दरवाजा जलाया था, जिसने जिसकी वजह से बीबी जहरा की शहादत हुई थी, उस कमीने का भी आज का ही वफात कर, वो कमीना आज ही दिन मरा था। सलामत भेजे मोहम्मद वाले, मारा नहीं था मारा गया था। सलामत भेजे मोहम्मद वाले, तो इसलिए ईद ज़हरा मौलाए कायनात ने अपनी हदीस में इसलिए बताया था कि ईद ज़हरा ऐसे मुसर्रत से मनाना, और यही तारीख जनाब मुख्तार ने चुना। ईद ज़हरा जनाब मुख्तार ने भी इसी तारीख को चुना, नौ रबी अव्वल ऐसा मनाया जाए, ऐसा मनाया जाए कि धूम मच जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, हम अपने जबान से थोड़ी सी अल्फाज गलत निकाल रहे हैं जो ही तबर्रा में शामिल है। आपको एक छोटा सा एहसास दिला दे कि कुरान मजीद कहता है, अगर करीब में जाए कुरान मजीद के तो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है लानत। लानत मतलब आम यहां की जबान में गाली, एक तरह की गाली है लानत, उस हरामखोर को लानत। अल्लाह तबारक व तआला जब अल्लाह तबारक व तआला जब आदम अलैहि सलाम का पुतला तैयार किया, तैयार करने के बाद कहा कि हम जब इसमें अल्लाह अपना अम्र डालेंगे, उस पुतले में अपना अम्र डालेंगे, तो तमाम अंबिया तमाम जिन्नो इंस सब आके उस पुतले, उस आदम अलैहि सलाम के पुतले के आगे सजदा करेंगे। लेकिन एक क्रिमिनल वहां पर था, जिस क्रिमिनल ने कहा कि भैया हमने मिट्टी लाया, पानी लाया, तैयारी की, सब कुछ किया, और या अल्लाह हमने आपके 3 लाख साल इबादत की है, 3 लाख साल आपकी इबादत की है, और उसके आगे हम आपका सजदा ना करके इनकी सजदा करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। तो अल्लाह ने तुरंत उस पर क्या भेजा, लानत। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, इसलिए भैया लानत भेजना तो जरूरी है। आज रबी अव्वल है, जिसने जिसने अल्लाह से नाफरमानी की उस पर अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि लानत भेजना है, अल्लाह खुद कह रहा है कि लानत भेजना है। तो जब अल्लाह कह रहा है तो हम बंदे की क्या औकात, तो
तो हम अपने अंदाज में, हम अपनी जबान में, हम अपनी जबान में उसको लानत भेजे के सलवात भेजे में लानत भेजे तकर्रा पढ़े, ये सवाब का काम है। सलवात भेजे मोहम्मद जितने आप नमाज नमाज पे शेर है सलवात भेजे मोहम्मद नमाज पढ़ते लोग आपको वो सुनते रहे सिर्फ अल्लाह 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 अल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने कहा भैया ये मेरा अम्र है, आदम मेरा अम्र है, इसके आगे सजदा करो, तो अल्लाह को पहचाना गया है, अल्लाह पहचाने गए, अब अल्लाह के आगे सजदा तो नहीं, आदम के आगे सजदा कराया, तो अल्लाह कहता है कि हमको मानना है तो पहले वसीले के जरिए आइए, आप वसीले के जरिए आइएगा तब पता चलेगा। तो अल्लाह ने वसीला का जरिया बता दिया, अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा, और भेजने के बाद अंबिया के बाद सिलसिला इमामत का शुरू किया, और आज तक कयामत तक इमामत का सिलसिला बाकी रहेगा। सलावत भेजो मोहम्मद का, जो सिर्फ नमाज पढ़ते सुनते कि हमें जन्नत मिल जाएगी, उनके लिए एक शेर है, ऐ मुल्क अज़म अपनी नमाजों पे ना इतरा, ऐ मुल्क अज़म अपनी नमाजों पे ना इतरा, तेरे सजदे हैं हम, तेरे सजदे हैं ये शैख़े आज़ादार के पीछे। ऐ मुल्क अज़म अपनी नमाजों पे ना इतरा, तेरे सजदे हैं, अगर तू सजदा करता है इस आज़ादार के पीछे है, जन्नत वाले के लिए सजदा कर रहे ना, ऐ मुल्क अज़म अपनी नमाजों पे ना इतरा, तेरे सजदे हैं शैख़े आज़ादार के पीछे, और जन्नत की तमन्ना करने वालों, जन्नत की तमन्ना करने वालों, जन्नत का पता है आज़ादखाने की दीवार के पीछे। सलवात भेजे मोहम्मद पर, ये खुशी और मुसर्रत का दिन है, आप इंजॉय करें, बच्चे भी इंजॉय करें, ये वैसी वाली महफिल नहीं है, ये ऐसी वाली महफिल है, हुड़दंग वाली महफिल है। आज से सलवात भेजे मोहम्मद पर, थोड़ा सा तरन्नुम में भी हो जाए, सलवात भेजे मोहम्मद पर। जान हूँ एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, अब भूल चुका